नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट ICT में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे और इनको किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये बताएंगे। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन 2012 से लेके 2020 तक रिपीट हुए हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें से आए हैं। सबसे पहले दोस्तों इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद हम थ्योरी करेंगे और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री, 2012 से लेके जून 2020 तक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जो हमारे एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, ये जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने दिया हुआ, यहाँ पे ये दोस्तों डेसिमल में दिया हुआ है, 3 अंक दशमलव संख्या है, इसको हमें बिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर इन्होंने डेसिमल 17 को ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, यानी कि इसमें भी हमें कन्वर्जन करना है। और आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने कहा है कि ए से एफ तक किसके अंदर यूज़ किया जाता है। और यही क्वेश्चन दोस्तों डिट्टो कॉपी में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से 2020 के अंदर रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए ए से एफ तक हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, इसका आंसर ऐसे ही हेक्साडेसिमल के अंदर यूज़ करते हैं। और अब यही क्वेश्चन आपको मैं डिट्टो कॉपी दिखाने वाला हूँ कहाँ आया है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। और डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हमारे, ये देखिए ये रहा हमारा, ये देखिए 24/9/2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ए से एफ तक सिस्टम किसके अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर इसका आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी आंखों से लाइव देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। और दोस्तों आपको बहुत 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 बार कह चुका हूं कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर 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 कीजिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए और क्वेश्चन आए हुए हैं, दशमलव संख्या 35 का द्विधारी समतुल्य क्या है, यानी कि हमारे पास डेसिमल संख्या 35, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये टॉपिक समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। और ये देखिए आगे फिर एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये देखिए जून 2015 के अंदर है और इसके अंदर ये रहा, ये देखिए डेसिमल नंबर 25 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25। आप देख सकते हैं यार कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अभी तो देखिए मैंने 2015 तक दिखाए, उसके बाद और बहुत से क्वेश्चन हैं डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में से, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुए, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों आगे की वीडियोज़ में, हम ये सभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की। ए बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 डिजिट
दैट आर जीरो जीरो एंड वन। बाइनरी नंबर के अंदर दोस्तों दो डिजिट होती है हमारे पास, जीरो और वन। एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद जीरो एंड वन इन दिस नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों जो भी हमारी पूरी की पूरी डिजिट है वो जीरो और एक के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाएगी। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज टू। इसका बेस कितना होता है दोस्तों? बेस इसके अंदर टू होता है, ये टू होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो भी डिजिट है वो जीरो और वन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जितनी भी डिजिट है ये देखिए 10 10 10 के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। और इसका बेस क्या है दोस्तों? बेस हमारा टू होता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ऑक्टल नंबर है। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारे पास ओनली 8 डिजिट होती है, और ये जो 8 डिजिट होती है दोस्तों 0 से लेके 7 तक होती है, ना कि 1 से लेके 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है। और ये एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें जो भी डिजिट होती है वो 0 से लेके 7 तक के बीच में होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, ऑक्टल के अंदर टोटल डिजिट कितनी होती है हमारी? 8 होती है, लेकिन वो किस कहाँ तक होती है? 0 से लेके 7 तक हमारी होती है, ना कि 8 तक। 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों इसके अंदर आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। और इसका जो बेस होता है दोस्तों, ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? वो 8 होता है। ये देखिए यहां पे हमारे पास जैसे ये डिजिट है एक 172 यहाँ पे दी हुई है, तो इसके अंदर जो हमारी डिजिट है वो क्या है? 172, यानी कि 0 से लेके 7 तक के बीच में ये हमारी डिजिट्स है। और इसका जो बेस है दोस्तों, बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना? 8 है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होती है वो 10 होती है, और ये 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, जितनी टोटल डिजिट होती है उससे एक कम हमारे पास काउंटिंग हम करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10 होती है, 0 से लेके 9 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, आप गलती मत कर देना इसके अंदर। और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है दोस्तों? बेस होता है इसका 10 होता है। जैसे ये देखिए ये रहा हमारा, ये आप देख सकते हैं 122, ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसका बेस कितना है? बेस यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आगे हम बात करते हैं दोस्तों हेक्सा डेसिमल नंबर की बात करते हैं। और इसमें से अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, 2014 में भी रिपीट हुआ है और 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ए हेक्सा डेसिमल नंबर हैज 16 अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? 16 अक्षर होते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते और न्यूमेरिक भी होते, दोनों चीज़ इसके अंदर होती है। और 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक इसकी वैल्यू होती है। टोटल डिजिट हमारी कितनी होती है? 16 डिजिट इसके अंदर होती है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी होगी? ये होगी हमारी टोटल 10 वैल्यू होगी, 10 डिजिट्स होगी हमारी, ये 10 होगी। उसके बाद में ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये कितनी होगी? ये हमारी 6 होगी। 10 और 6 टोटल कितनी होगी? 16 वैल्यू हमारे पास होगी। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हेक्साडेसिमल डेसिमल, और इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों ये देखिए 0 से लेके अगर हम 9 तक बात करें दोस्तों, तो ये तो 0 से लेके 9 तक ही होगी। और ए की वैल्यू 10 के इक्वल, बी की 11, सी 12, डी 13 और ई 14 और एफ 15। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये आप काफ़ी कंफ्यूज ना हो जाना। ए से लेके एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? एफ की वैल्यू होती है 15, और ए की वैल्यू कितनी होती है?
10, तो ये ध्यान रखना, तोड़ दूंगा मैं अगर आप ये भूल गए ना तो अच्छी बात नहीं है भाई। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, अगर फिर भी आप गलत कर देंगे ना तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, घर आके तोड़ूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलिए कोई नहीं, और अब हम बात करते दोस्तों कि इनके बेस की बात करते हैं। तो बेस इसके अंदर जो होता है दोस्तों, बेस हमारा 16 16 होता है। और सभी को दोबारा से देख लेते हैं, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखिए, जैसे कि बाइनरी की बात करें दोस्तों, बाइनरी के अंदर जो डिजिट्स होती है 0 1 होती है, और उसका बेस कितना होता है 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो दोस्तों टोटल डिजिट कितनी होती है इसके अंदर 8 होती है, और 0 से लेके 7 तक होती है, और बेस कितना होता है 8 होता है। फिर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल होता है दोस्तों 0 से लेके 9 तक, टोटल कितनी होती है हमारे पास 10, और बेस भी कितना होता है 10 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो दोस्तों 0 से लेके 9 तक होती है, और ए से लेके एफ तक इसकी वैल्यू होती है, और इसके अंदर टोटल कितने होते हैं दोस्तों डिजिट हमारी 16 होती है, और बेस कितना होता है 16 इसका होता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, और ये सभी चीज़ें याद होगी ना दोस्तों, आप जैसे तैसे करके कैसे भी मुझे नहीं पता आप याद कर लेना। आप चाहे इंजेक्शन लगवाइए, चाहे आप घूंटी पीजिए इसकी, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे 2012 से लेके 2020 तक क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, जैसे कि आईसीटी के आज तक जो भी क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इसके साथ साथ आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कन्वर्जन की, बात करते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ये चीज़ आई थी ना शुरू के अंदर, मैं बता देता हूँ, जैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए बाइनरी टू डेसिमल, और ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब इसी पे बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको देखनी पूरी है, पूरी देखनी है, मेरे से चाहे पैसे ले लियो यार, देखने के पैसे ले लियो, लेकिन सीख के ज़रूर जाना, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब हम सबसे पहले कन्वर्ट बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है 1101, और बेस 2 दिया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहाँ सो रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। बाइनरी नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1101 दिया हुआ है, ये देखिए स्टेप 1, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दे लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स दी हुई है 1101 दी हुई है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 1101 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में हमारे पास बेस कितना है दोस्तों, बाइनरी नंबर में बेस कितना होता है 2 बेस होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन ये जितनी भी हमारे पास डिजिट है उनके नीचे 2 2 लिख देंगे, और उनकी पावर 1 2 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए 1 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 0 के नीचे 2 लिख दिया, फिर 1 के नीचे 2 लिख दिया, यानी कि सभी के नीचे हमारा जो ये बेस है ना, बेस 2, ये सभी के नीचे लिखते जाएंगे, उनकी पावर हम 0 1 2 3 यहाँ पे कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आ गई ना, आ गई होगी, चलिए थैंक यू, वेरी गुड। देखिए अब किसी भी कोई भी हमारे पास डिजिट है, ध्यान रख लीजिए आप, कोई भी हमारे पास डिजिट है उसकी पावर अगर हम 0 करें, किसी भी डिजिट की पावर 0 करें, तो वो इक्वल टू 1 होगा हमारे पास। जैसे मान के चलिए हमारे पास 8 है, 8 की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ये देखिए, ये हमने 1 1 के नीचे 2 लिखा, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये लिख लिया हमने, यहाँ तक हमने ये काम किया है, ये काम हमने
कर लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नंबर दो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारी पावर है ना, पावर को हम कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, मैंने कहा था ना, किसी भी डिजिट की पावर अगर जीरो होती है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए, टू की पावर एक, दो की पावर एक किसके बराबर हो गया, दो हो गया। अब देखिए, दो की पावर दो किसके बराबर हो गया, चार हो गया। अब कई दोस्तों को पावर के बारे में अगर ना पता है तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, टू की पावर थ्री है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, टू की पावर थ्री का मतलब ये है दो को तीन बार गुना करना है, दो गुना में दो गुना में दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, यहाँ पे हमारे पास आठ आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक आया क्या, आ गया, वेरी गुड। चलिए, किसी को नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं जी। इसमें क्या होगा, देखिए, नंबर स्टेप एक के अंदर, स्टेप एक के अंदर क्या होगा, जो हमारी बाइनरी डिजिट दी हुई है, बाइनरी नंबर जो दिया हुआ है, वो हम पहले इसे सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में इनके नीचे जो हमारा बेस कितना है, बाइनरी के अंदर टू बेस होता है, तो दो लिख लेंगे, दो 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 दो, जितने भी हमारे पास यहाँ पे डिजिट है उनके नीचे दो दो लिख लेंगे, और उनकी पावर लिखेंगे जीरो एक दो तीन, इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पे आगे होता तो हम बढ़ाते, लेकिन हमारे पास चार ही है, तो चार चार बार दो लिखा और उनकी पावर लिख दी। अब इन पावर को हम दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, इन पावर को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, टू की पावर जीरो है, और किसी भी डिजिट की पावर अगर जीरो होती है तो वन के इक्वल होता है, दो की पावर एक दो, दो की पावर दो, दो दूनी चार, दो की पावर तीन किसके इक्वल है, आठ के इक्वल है। नंबर एक स्टेप समझ में आ गया ना, आ गया ना, वेरी गुड, शाबाश, ट्रॉफी मिलने वाली है जिन जिनको समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश जी। चलिए अगला, ये देखिए, स्टेप नंबर टू है हमारे पास। इसके अंदर स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होगा कि ये जो हमने लिखी थी ना दोस्तों, ये जो पावर कन्वर्ट करके हमने लिखा था, इसको हम ऊपर वाले से गुना कर देंगे। रुकिए, ये देखिए, अब जो हमारे पास ये रिजल्ट आया था पावर को कन्वर्ट करने के बाद में, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, ये ऊपर वाली चीज़ थी हमारी, डेसिमल वाली चीज़ें थी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, ये जो हमारी आई थी पावर में कन्वर्ट करने के बाद, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, जीरो को दो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक को चार से करेंगे चार आ जाएगा, एक को आठ से करेंगे तो आठ आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, अब इन दोनों, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, स्टेप नंबर थ्री के अंदर इन सभी को हम प्लस कर देंगे। आठ जमा चार कितना हो गया, बारह, जमा में एक कितना हो गया, तेरह, आंसर आ गया। यानी कि ये जो है हमारा आंसर ये आ जाएगा 1101, बाइनरी नंबर को जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 13 डेसिमल नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हैं दोस्तों, और स्टेप नंबर टू और थ्री एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये हमने पावर में कन्वर्ट किया था, पावर में ये कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वन को वन से करेंगे वन, टू को जीरो से करेंगे जीरो, चार को एक से करेंगे चार, आठ को एक से करेंगे आठ, और अब इन सभी को नंबर थ्री स्टेप के अंदर प्लस कर देंगे। तो इतना आसान है जी, ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। और अब देखिए, एक मैं आपको असाइनमेंट क्या दें, आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, आपको ऐप के अंदर दूंगा, ऐप के अंदर दे देंगे वहाँ पे, ठीक है, या फिर हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, आप करके देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, आप वो करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो हम लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा, और जिनको नहीं आएगा तोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, बहुत तोड़ूंगा मैं तुम्हें, घर आके तोड़ूंगा, समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप हमें ऐप के अंदर बता सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। चलिए, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करना है। अब देखिए, हमारे पास चीज़ें आ गई, क्या आ गई, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, ऑक्टल में बात की थी, बेस कितना होता है आठ, और जीरो से लेके सेवन तक इसमें डिजिट हो सकती है, ठीक है।
चलिए, तो हमारे पास ऑक्टल नंबर है 1121, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो नंबर एक स्टेप हमारे पास क्या था दोस्तों, नंबर एक स्टेप ये था कि यहाँ पे जितना भी बेस है ना, बेस कितना है हमारे पास, 8 है। ये देखिए, ये रहा हमारे पास 8, इसका बेस है। तो इन सभी के नीचे 8 8 लिख देंगे दोस्तों, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनकी जो पावर है, पावर को हम कन्वर्ट करेंगे। 8 की पावर, 8 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 0। अरे घुसा लगेगा, 1 मैंने बताया नहीं था, कोई भी डिजिट है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। वेरी गुड, आ गई समझ में। और 8 की पावर 1, 8 हो गया, 8 की पावर 2, 8 64 होता है भाई, गलत मत करो। और 8 की पावर 3 किसके इक्वल होगा, 512। 512 कैसे आ गया, 8 की 24 आना चाहिए है? पिटोगे क्या, 8 की पावर 3। अरे भाई साहब रुकिए बताता हूँ, 8 की पावर 3, 8 गुना में 8 और गुना में 8, ये देखिए 8 8 64, ठीक है। 64 को फिर 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 नहीं आ जाएगा क्या, पगले कहाँ खोए हुए हो जी। वेरी गुड, ये हमारे पास आ जाएगा पावर में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पावर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, पावर में कन्वर्ट करने के बाद। और स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या था कि ये जो पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो आया है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आ रहा ना याद, वेरी गुड। अब देखिए, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया, 512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया। और नंबर 3 स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, 512 प्लस में 64 प्लस में 16 प्लस में 1, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 593 हमारे पास आ जाएगा जी, है ना। तो हमारे पास ऑक्टल नंबर 1121 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा, 593, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गई समझ में, आ गई, वेरी गुड। और इन भाई साहब को नहीं आई, ये देखो, ये सोच रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बहन जी देखो कितनी कंफ्यूजिंग है ये बहन जी, है ना। चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और जिनके समझ में आ गए वो वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर की जो बेस होता है हमारे पास 8 होता है, 8 8 8 8 8 लिखेंगे सभी के नीचे, और उनकी पावर 0 1 2 3 ये लिख देंगे, और इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ये पावर को कन्वर्ट करेंगे। पावर को कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 8 और 64 और 512 आ जाएगा, यहाँ पे 512 आ जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो आई है, वैल्यू आई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये जो हमारे ऑक्टल नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इन सभी को फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर ऐड कर देंगे, है ना, कितना आसान है यार, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है, वेरी गुड, क्या बात। चलिए आगे, हम आगे एक और रहता है हमारे पास, क्या रहता है हमारे पास, रहता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर जी, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं और अभी मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 पे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल हम आसान बना देंगे इसको, ठीक। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना इसमें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर AC9 दिया है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, हमें कन्वर्ट करना है। और ये देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है दोस्तों, बेस कितना होता है, 16, कितना होता है, 16 हमारा बेस होता है, ठीक है। नंबर एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका बेस कितना होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए वेरी गुड, हेक्साडेसिमल नंबर का 16 नंबर बेस होता है। अब देखिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नंबर एक चीज़ ये आती है दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ी थी, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो डिजिट होती है 0 से लेके 7 तक होती है
और ए से लेके सॉरी 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 0 से लेके 9 तक होती है, और ए से लेके एफ तक होती है। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ पढ़ के आए हैं। अब देखिए हमारे पास है ए सी 9 है, 9 की वैल्यू 9 है ये हमें पता ही है, ए की वैल्यू 10 है ये मैंने ऊपर बताई है, घूसा लगा दूंगा खींच के बोल रहे हो, ऊपर बताइए मैंने आपको, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 12 है, 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम इनको रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, रियल डिजिट्स के अंदर, रियल वैल्यू के अंदर इनको कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर एक। नंबर दो पे हम फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, वही रामायण शुरू हो जाती है जो हम अभी करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मान के चलिए हमारे पास रियल वैल्यू आ गई है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए बेस कितना था हमारे पास, बेस था 16। अब देखिए 16 लिख दिया, 16 लिख दिया, 16 लिख दिया, और इनकी पावर लिख दी 0, 1, 2, 0, 1, 2, ऐसे हमने पावर लिख दी क्योंकि 3 ही डिजिट है, तो 3 बार 16 16 लिखा और उनकी पावर 0, 1, 2 लिख दिया। अब हम बात करते, अब क्या करेंगे, ये जो पावर है पावर को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 16 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0, 1, वेरी गुड, शाबाश, समझ गए भाई आप तो, वेरी गुड जी, 1 आ गया। फिर 16 की पावर 1 ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 की पावर 2, 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये स्टेप नंबर एक, कई बार रटवा दिया है, तोड़ दूंगा अगर भूल गए तो, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास पावर में कन्वर्ट करने के बाद। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, ये जो पावर कन्वर्ट करने के बाद आई है ये इसको हम रियल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर आ गई, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से करेंगे 9 आ जाएगा, 16 को 12 से गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा, और 256 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 हमारे पास आ जाएगा। और स्टेप नंबर थ्री में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री में इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, वेरी गुड, आ गया ना समझ में, कितना आसान है यार, कितना आसान है, कितना आसान है ना जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश जी। चलिए एक बार फिर से समझाऊं, समझा दूं, चलिए जल्दी से मैं समझा देता हूँ। ए सी 9 है और इसकी जो बेस है दोस्तों 16 है। सबसे पहले ए सी 9 को रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 9 9 होता है, सी की वैल्यू 12 होती है, ए की वैल्यू 10 होती है, और उसके बाद में हमारे पास बेस 16 है तो 16 16 16 लिखेंगे, और इनकी पावर 0 1 2 लिख दिया, और इन पावर को हम कन्वर्ट करेंगे 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256। अब ये जो हमारे पास पावर कन्वर्ट करने के बाद डिजिट आई है इनको हम ये जो रियल वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इनको 9 से 1 से किया 9 आ गया, 12 को 16 से किया करेंगे तो 192, 10 को 256 से करेंगे तो 2560 आ गया। और स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या करेंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी 9 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2761 डेसिमल नंबर इसका आ जाएगा। अच्छा भाई आ गया आप सभी को समझ में, अच्छे से समझ में आ गया जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और अब आप सभी के लिए एक टास्क दे के जा रहा हूँ, और जो भी इस टास्क को करेगा, इस क्वेश्चन को करेगा, उसको मैं कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाऊंगा, सच्ची में मेरी मोदी से डायरेक्ट जान पहचान है, ठीक है। चलिए 1 1 0 0 1 0, ये हमारा है दोस्तों, क्या है हमारा, बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन मार्क हो गए, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है, आगे बात समझ में। 1 1 0 0 1 0 ये हमारा बाइनरी नंबर है, बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर, और जो भी हमारा बहन भाई इसको करेगा उसको कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे, मोदी से मेरी डायरेक्ट जान पहचान है, फिर मत बोलना कि मेरे को बताया नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी दोस्त जो जो क्वेश्चन कर ले वो अपने
अपने आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालना। मैं देखता हूँ कितने कितने लोग कर पाते हैं, कितने दोस्त कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे की वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने किया था कि बाइनरी टू डेसिमल किया था, ऑक्टल टू डेसिमल किया था, अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और एक मिनट रुकिए, हाँ जी, डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। ठीक है, तो आप देखना, नेक्स्ट वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, और इससे रिलेटेड और भी मैं बहुत क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और आपके भेजे में ना घुसा के छोड़ूंगा मैं, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस में आपको 2012 से लेके 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। NTAUGCNET यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट ICT में नंबर सिस्टम कन्वर्जन हैज टू, यानी कि दोस्तों पहले हमने बात की थी कि बाइनरी से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से और डेसिमल में, लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम उल्टा करेंगे इसका, डेसिमल का हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर 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 देखिए दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, और इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, वो सभी क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे एड फ्री, 2012 से लेके जून 2020 तक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये नंबर सिस्टम समझने से पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं, वैसे तो हमने कल वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया था बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, बाइनरी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 0 और 1 यूनिट होती है, और ऑक्टल के अंदर हम बात करें तो 0 से लेकर 7 तक होती है, और टोटल इसके अंदर कितने डिजिट होती हैं, टोटल 8 होती हैं, और बेस कितना होता है, 8 होता है, बाइनरी के अंदर बेस कितना होता है, 2 होता है, और डिजिट कितनी, 0 और 1, यानी कि टोटल 2 होती है। डेसिमल की अगर हम बात करें तो टोटल यूनिट जो होती है, डिजिट जो होती है हमारी 10 होती है, बेस 10 होता है, और इसकी जो डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक होती है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो दोस्तों इसमें 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक होता है, और ए का क्या होता है दोस्तों, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से हम ये करते हैं। एफ़ की वैल्यू 15 होती है और ए की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। इस तरह से हमने ये कल चीज़ें आपको बताई थी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगी। तो चलिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने पहले वीडियो देखी है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में भी आए हैं, वो मैं सभी आपको दिखाऊंगा, पहले हम इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डेसिमल नंबर 13 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम एक एक स्टेप के ज़रिए समझते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, 13 जो हमारी ये डिजिट है
इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से हम करते हैं उसको डिवाइड, जिस तरीके से हम एलसीएम वगैरह लेते हैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही इसको करना है। ये देखिए, और दो से हम इसको डिवाइड करें, क्यों दो से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। दो से डिवाइड इसलिए करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है, टू होता है हमारे पास। अब देखिए, दो से इसको डिवाइड करेंगे तो दो छिक्के 12, और यहाँ पे कितना रह गया, शेष एक रह गया। जितने पे ये जा रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो शेष रहता है कैरी रहता है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखिए, नंबर एक ये हो गया, ये स्टेप हो गया। उसके बाद में हम इसको जो 6 बच गया इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे आगे। अब देखिए, इसको 6 को दोबारा करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है, 2 × 3 = 6, और यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, कैरी 0 रह गया। लेकिन अब ये देखिए 3 है, 3 और भी तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। और ये देखिए, यहाँ पे 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। ठीक है, अब ये एक जो है एक फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि जहाँ तक डिवाइड होगा उसको हम वहाँ तक डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिस जिस पे डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, इस तरह से जो जिस जिस पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जो कैरी बच रहा है हमारे पास, शेष जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा शेष जो बचा है, कैरी जो बचा है, उनको हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि नीचे से लेके ऊपर उनको लिखेंगे। सबसे पहले 1 1 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, 1 1 और 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे डेसिमल नंबर दिया हुआ होता है, स्टेप नंबर एक में क्या करते हैं कि उसको जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 2 × 6 = 12, 6 पे चला गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, कैरी रह गया। यहाँ पे हम जो कैरी बच रहा है, शेष बच रहा है वो लिखेंगे, और यहाँ पे जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखिए, 2 × 6 = 12, कैरी 1 रह गया, फिर 2 × 3 = 6, और कैरी कितना रह गया, 0 रह गया। और अब ये देखिए 3 है, ये भी तो डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, और यहाँ पे कैरी कितना रह गया, 1 हमारे पास कैरी रह गया। अब हम इसको, अब ये देखिए ये 1 आ गया हमारे पास, अब 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ तक इसकी पोजीशन लास्ट आ गई। अब इसको हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, इसके अंदर 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल नंबर 13 कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1101 बेस। तो दोस्तों, कितना आसान, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल जवाब है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर 593 को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 593 को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, ये ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, बेस हमें पता होना चाहिए, 8 बेस होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 से डिवाइड करेंगे, 593 हमने यहाँ पे लिख लिया, और डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ये देखना दोस्तों, 593 8 से जब हम डिवाइड करते तो कितने पे काउंटिंग जाती है, कहाँ तक टेबल जाती है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करते तो 592 आता है, 592 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 74 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कैरी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ये हमने 1 कैरी लिख लिया। अब आगे क्या स्टेप आता है दोस्तों, ये 74 है ना, अब हमें इसको भी डिवाइड करना है, 8 से ही डिवाइड करना है। अब देखिए, ये आ गया, अब आपको पता है 8 × 9 = 72, 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये हमने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कैरी 2 आ गया। अब देखिए 9 है, 9 को फर्दर हम आगे फिर डिवाइड कर सकते हैं, 8 × 1 = 8 आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 शेष रह जाएगा। ठीक है, और अब ये देखिए, ये 1 बच गया, अब 1 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते 8 से,
ठीक है, तो यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, यानी कि वन वन टू वन हमारा आंसर आ जाएगा, वन वन टू वन ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 593 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्योंकि 8 बेस है, ऑक्टल 8 बेस होता है। 8 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 74 पे जाएगी ये टेबल, 74 पे जाएगी, तो यहाँ पे कैरी हमारे पास 1 रह जाएगा। 74 को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 9 से, 8 नहीं में 72, और यहाँ पे कैरी रह जाएगा 2। और फिर अब 8 9 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 एक कम 8 एक रह गया, एक रह गया। और अब हम इसको नीचे से ऊपर तक लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1121 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसान है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास है दोस्तों डेसिमल नंबर 2761 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2761 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब नंबर एक दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आती है कि हेक्साडेसिमल का हमें बेस पता होना चाहिए। बेस कितना है, बेस हमारे पास 16 है। इसे भी डिवाइड करना है दोस्तों, और डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। स्टेप नंबर एक के अंदर 2761 है, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। 2761 हम देखेंगे कि ये किस टेबल पे जा रहा है, कितने तक जा रहा है, कितने पे मल्टीप्लाई करने पे ये इसके आसपास जा रहा है। जब हम 16 को 172 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2752 आता है, और ये किसके करीब है दोस्तों, ये 2761 के करीब है। इससे ज़्यादा अगर हम करते तो इससे ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी। तो दोस्तों इसको 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 172 से, तो हमारे पास कैरी कितना रह जाएगा, हमारे पास कैरी रह जाएगा 9 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना गया 2752 आ गया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है हमारे पास 2761 है। 2761 में से 2752 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए आगे का स्टेप क्या है। अब ये जो 172 है, अब इसे देखना है कि ये कितने पे डिवाइड हो रहा है 16 से। अब 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा हमारे पास, और 160 जब हम माइनस करेंगे 172 में से, हमारे पास कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये है दोस्तों, दूसरा क्या रह गया हमारे पास, 10 रह गया। अब देखिए 10 को और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा 10 12 9, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 12 9 हमारा आंसर आ गया, 10 12 9। अब बात आती है दोस्तों हमें इससे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था, ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, बी की 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15, ठीक है। तो ई की वैल्यू सॉरी 9 की वैल्यू 9 होगी, और 12 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है, 10 की वैल्यू ए के इक्वल होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए सी 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो डेसिमल नंबर है 2761 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो AC9 हमारा हेक्साडेसिमल में आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत ज़रूर है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। ये देखिए हमारा जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है दशमलव संख्या 35 का द्विआधारी समतुल्य क्या है, और इसको इंग्लिश में देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 35। अब देखिए 35 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका कैसे करेंगे, 35 को 35 को डिवाइड किससे करेंगे बताइए, किससे करेंगे, 2 से करेंगे ना, अभी तो बताया था 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 17 2 34, 17 पे गया, यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 16, और हमारे पास कितना कैरी रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, कैरी 0 रह जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए अब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 9, ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 9 4, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 रह जाएगा। अब देखिए इसको 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 कम 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे
कितना रह जाएगा, जीरो कैरी रह जाएगा। अब देखिए ये एक आ गया, एक को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन और ट्रिपल जीरो, वन ट्रिपल जीरो, एक दो तीन ट्रिपल जीरो और वन वन, वन ट्रिपल जीरो वन। अब ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ये आंसर देखते हैं हमारे ऑप्शन कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए दोस्तों, वन ट्रिपल जीरो और डबल वन, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया, और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ, आप करके देखना। देखिए हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, तो आप इन सभी क्वेश्चन को करके देखना। ये देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब 17 को हमें ये बताना है कि कौन सा सही है, ये सी सही है या डी सही है। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे डी सही है, लेकिन किस तरह से ये आएगा वो हमें देखना ज़रूरी है दोस्तों। तो 17 को आप डिवाइड करके देखना क्या आंसर आ रहा है, वो हमें बताना आपको आया है या नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों हमने 2012 से लेकर 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हैं, जैसे कि रिसर्च के अलग, कम्युनिकेशन के अलग, और जो भी ICT है वो अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन अलग अलग क्यों हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर लेना चाहें तो ये भी हमसे ले सकते हैं। आप हमारी ऐप निमिज नेट ज़रूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको सभी नोट्स, वीडियोस और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री, 2012 से लेकर जून 2020 तक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे आज तक, जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट पर। दोस्तों सुबह हमने करवाया था कि डेसिमल से हम बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी दोस्तों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आज हम दोबारा से ये वीडियो करने वाले हैं और इसमें हम दोनों तरीके बताएंगे, यानी कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से फिर दोबारा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो देखना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो आज की वीडियो की है उसी को लेके चलते हैं, कि जैसे डेसिमल जो नंबर होता है हमारा, डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है
और देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर कन्फ्यूज़न आता है कि हम दो से गुणा करने हैं या दो से डिवाइड करना है, ये हमारे पास कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल का मतलब है कि जो दशमलव जो होता है उसे हम कहते हैं। और हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें गुणा करनी है या भाग करनी है। अब सबसे पहले देखिए हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है, कन्वर्ट हमें करना बाइनरी के अंदर करना है। और बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि जिसका बेस दो हो, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, जैसे हम लिख लेते हैं 124 और नीचे इस तरीके से हम लिखते हैं ना नीचे, तो उसे हम कहते हैं बेस यानी कि टू, इसे हम कहते हैं बाइनरी। और इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर वो हम देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हमें डिवाइड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे ये टेबल बना लेंगे और 13 लिखेंगे और 13 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 13 है वो 2 के किस टेबल तक जाता है, तो ये हमें पता है कि 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने 6 पे ये टेबल लेके गए तो कितना शेष हमारे पास बचा, तो ये ऐसे रखेंगे और जो शेष हमारे पास बचा है, कैरी जो बचा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में दोबारा फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर जाएगा 2 3 6, ठीक है। और अब हमारे पास कितना शेष बचा है, वो बचा है हमारे पास 0 बचा है। उसके बाद में हम दोबारा से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हम तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक अपने पास 1 या 0 ना आ जाए। अब दोबारा इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 1 2, और यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए अब इसे और आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो 1 है ये दोबारा से अपना इससे डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नीचे से लेके और ऊपर तक हम लिखते हैं, तो इसका जो क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि डेसिमल 13 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। और अब हम दोस्तों इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब यही सवाल है, यानी कि 1101 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये है कि बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से किया जाएगा, ये हम देखना चाहते। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जहाँ पे डेसिमल आ जाए ना दोस्तों, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और वो हमें देखना है कि पहले हमारे पास बाइनरी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्टल है तो 8 से, हेक्साडेसिमल है तो 16 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बाइनरी है, बाइनरी के अंदर 2 बेस होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो इसमें हम सबसे पहले ये दोस्तों ये नंबर लिख लेते हैं 1101, इसमें लिख लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 की पावर लिखते जाएंगे। अब देखिए 2 की पावर सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 1 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर हम लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि 2 की पावर 0 क्या होती है। हमेशा आप याद रखना, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या होती है, वो 2 होता है, और 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, 2 की पावर 2 होती है तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो है और ये जो है इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, अब इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, और अब इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो ये आया है हमारे पास 8 4 0 1, इन सभी को हमें प्लस करना है। अब देखिए 8 जमा में 4 जमा में 0 जमा में 1, ये कितना होता है, 8 और 4 12 और 1 13, ये क्या आ गया दोस्तों अपना आंसर,
ये आ गया 13, इसका आंसर आ गया। अब देखिए बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो 13 आ गया। और हमने जो ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था कि जो डेसिमल नंबर 13 था उसको जब हम कन्वर्ट करते तो वो आ रहा था 1101, इसका आंसर आ रहा था। तो हमने देखे दोस्तों यहाँ पे दोनों ही करके देख लिए हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमने दोनों ही करके देख लिए, 13 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लिया है, डेसिमल को बाइनरी में, और फिर बाइनरी को हमने दोबारा से फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर 2761 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर की बात आती है तो वहाँ पे हम किससे डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 16 से डिवाइड करने का तरीका भी हम इसे देख लेते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 2761, यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसे डिवाइड करना है हमें 16, यानी कि 16 से हमें डिवाइड करना है। अब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों ये जो 2761 यानी कि 2761 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इसके पास में चला जाए। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी काउंटिंग कर रखी है, तो हम बता देते हैं 172 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2752 आता है दोस्तों, ठीक है, 2752 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2752 हमारे पास आता है। और अब देखिए 2752 इसमें से जब हम माइनस करते हैं 2761 में से माइनस करते हैं तो 9 हमारे पास शेष रह जाता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरीके से होगा, एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ ये ताकि हमें दिक्कत ना आए। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 9 कैरी रह जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 172 के करीब आ जाए। तो 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो कैरी है दोस्तों वो 12 रह जाता है, 12 जो कैरी है हमारे पास रह जाता है। अब देखिए ये जो 10 है ये 16 से और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहीं से हमारा जो आंसर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हम दोबारा इसको नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे, यही हमारा पैटर्न रहता है हमेशा। और अब देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, 12 लिख लिया और 9 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम इसे नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ये आ गया, सबसे पहले हमारे पास 10 आ गया, फिर 12 आ गया और फिर 9 आ गया, ठीक है। और अब आप मेरे को ये बताइए कि जो 9 होता है हेक्साडेसिमल नंबर में वो किसके इक्वल होता है, 10 किसके इक्वल होता है और 12 किसके इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 9 नंबर होता है वो 9 तो 9 के इक्वल ही होता है, लेकिन जो 10 होता है उसे हम ए के इक्वल मानते हैं, और जो 12 जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा सी के इक्वल होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास AC9, हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसमें कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर AC9 आया है इसको दोबारा से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर AC9 को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है। सबसे पहले हम AC9 यहाँ पे लिखते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हेक्साडेसिमल नंबर है मतलब 16 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो AC9 लिख लिया, तो AC9 को सबसे पहले रियल जो वैल्यू है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। A का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास 10 होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था। C का मतलब होता है 12, और 9 का मतलब 9 हो गया, ठीक है, यानी कि 10 12 9 हमारे पास डिजिट आ गई AC9 की। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं 10 12 और 9। अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 16 16 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद इनकी पावर लगाते हैं दोस्तों, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, ठीक है। अब देखिए 16 की पावर 0 होती है 1 के इक्वल, और 16 की पावर 1 होती है 16, 16 की पावर 2 होती है 256 होती है हमारे पास, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि अब इनको और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको बताया था। 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और जब हम 16 को दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अभी एक मिनट देख लेते हैं, ये आता है हमारे पास 192 आ गया हमारे पास। और फिर देखिए 10 को जब हम 256 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
60 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते तो देखते सॉरी अब तीनों को हम प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है, ये हमें देखना है। अब देखिए तीनों को आप प्लस करके देख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, मैं कैलकुलेटर है मेरे पास उसके अंदर मैं प्लस करके देखता हूँ। ये कर लिया मैंने प्लस, और प्लस में 9 और कर लेते हैं तो ये वही आया दोस्तों हमारे पास 2761, यानी कि इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2761 हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में हो तो हेक्साडेसिमल से किस तरह से कन्वर्ट में करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने दोनों तरीके से आपको करवा के दिखा दिया है। अब आप सभी दोस्तों के लिए मैं एक काम दे के जा रहा हूँ, ये आप सभी दोस्तों को करना है, करके देखना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर 593 को हमें ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर हमें जो ऑक्टल नंबर आए 1121, इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे ये हमें बताने। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत आई तो वो हमें ज़रूर बताना। आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTAUGCNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये देखिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था। तो इसके अंदर ये दिया है कि हमें डेसिमल नंबर है 17, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बाइनरी हो, बेस यानी कि 2 हो, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले करेंगे 8 पे 2 8 16 और कैरी रहेगी हमारे पास 1, 2 चौके 8 रह गया 0, फिर 2 दूनी 4 रह गया 0, फिर 2 एकम 2 और रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे से ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 10001। तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी 1001, ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे इस कैसे क्वेश्चन आया है। और दोस्तों अब ये देखिए दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा है बाइनरी इक्विलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज, यानी कि 35 है इसका हमें बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो बाइनरी की वही बात आती है कि 35 को किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 17 को डिवाइड किया था, तो वो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आप देखो सबसे पहले हम 35 को करेंगे, तो 35 ऐसे कर लिया हमने, बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है 2 बेस, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 17 पे, 17 दूनी 34 और शेष रह गया हमारे पास 1, ठीक है। और फिर ये 17 की, अब ये देखिए हमारे पास ये 35 था, 35 का हमने कर दिया 17 कर दिया। और इसके बाद में ये जो है ये हमने आपको पीछे अभी दिखाया था, जस्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाया है ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा और शेष रह जाएगा हमारे पास 1, फिर 8 से करेंगे 2 8 16, फिर रह जाएगा 1, फिर 4 से करेंगे 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 और 0, और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये सब करना, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है। इसमें बस एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे दी, उसी के रिलेटेड डिजिट दे दी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे किस। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फ़ीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर कहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, दो वीडियो में, जो ए से एफ तक होते हैं तो वो किसमें होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, हमने बताया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक होते हैं, तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है अपना। तो कितना आसान आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी कर ही लिया, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम और देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया 47। इसके अंदर इन्होंने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, 25 डेसिमल नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वही हम करेंगे। 25 यहाँ पे हमने लिखा और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 12 पे, 12 दूनी 24, 1 रह गया, 2 6 12, 0 रह गया, 2 3 6, 0 रह गया, 2 1 2, और यहाँ पे रह गया शेष। और फिर क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1100 और 1, इस तरह से अपना आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान है। और अब हम और देखते हैं कि और इस तरह इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके अंदर 42 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर 47 था, इसमें 25 का है, इसमें इन्होंने 51 के बारे में कहा है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 48 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 11000 के है, तो डेसिमल नंबर 51 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है, यानी कि 48 है वो 11000 बाइनरी नंबर के इक्वल है, तो 51 नंबर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 25 किया था, और ये क्या है, ये एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने दे दिया। अब देखिए हम इसे करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे, 25 दूनी 50, शेष रह गया 1, फिर 12 दूनी 24 रह गया 1, यानी कि ये देखिए, ये सारा का सारा हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, और पहले भी आपने देखा था कि 35 का किस तरह से रिपीट हुआ था, वो 17 वाला रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमने 25 को किया, 12 पे गया, शेष रह 1 रह गया। अब देखिए 12 को हम करेंगे, 2 6 12, 0 रह गया, 2 3 6, 0 रह गया, 2 1 2 और 0 रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट्स के अंदर जो दिया है इन्होंने,
ऑप्शन नंबर टू एस जो दिया है, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज 0.625। दोस्तों इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी मैंने आपको जितने करवाए हैं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2017 के बाद में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया, और फिर सीधा डायरेक्ट 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। और ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसे देखिए। इसमें इसने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया है और इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना, वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ये देखना होता कि वो जो नंबर है वो किस में दिया है। यहाँ पे इन्होंने बाइनरी नंबर में दिया है, तो अगर बाइनरी हो तो हमें 2 बेस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऑक्टल हो तो 8 से। तो इसे हम बिल्कुल आसानी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो डिजिट है वो सभी की सभी लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 और 0 यहाँ पे लिख ली, और फिर 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 यहाँ पे हमने लिख ली। और अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पावर है पावर को कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 1 होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 ये हो गया 2 हो गया दोस्तों, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 2 की पावर 3 होता वैसे 8 है, और 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये भी 0 आएगा हमारे पास, और 2 की पावर 5 होता है 32 होता है दोस्तों हमारे पास, और 2 की पावर 6 होता है 64 होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, और इन सभी को प्लस करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो 102 इसका आंसर आएगा, 102, और 102 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी में एक डिजिट फालतू दे देते हैं तो किसी में कम दे देते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप करने की कोशिश करना, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट ICT के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में, और इसमें ये हमारी वीडियो कन्वर्जन 5 वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड 4 वीडियो और बना रखे हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो। उनमें हमने बेसिक चीज़ें बताई है और बताया है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, उनको किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल से फिर वापस बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर एंड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या था दोस्तों, सिंपल तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों तरह के बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे 1101 और 0.101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, पहले हमने केवल और केवल इतना किया था, बिल्कुल सिंपल किया था, अब इसके अंदर ये पॉइंट आ गया दोस्तों। पॉइंट आने के बाद हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे यही आज की वीडियो में हम जानेंगे, और ये वीडियो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दोस्तों पहले क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आया है। पहले ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आया था नवंबर 2017 के अंदर, क्वेश्चन आया था ट्रू और फॉल्स के अंदर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, इज़ द बाइनरी नंबर
0.101 द फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू एज 0.625। यानी कि इन्होंने क्या कि कहा है कि फ्रैक्शनल नंबर जो हमारा है 0.101 इसकी वैल्यू 0.625 है या नहीं, ये इन्होंने पूछा हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम कब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमें इस पूरे का पता हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हमें इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है दोस्तों, और इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आगे भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें जीआरएफ चाहिए तो, जीआरएफ की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, नेट की बात नहीं करना। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फ़ीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ सके। देखिए पहले हमने सिंपल किया था क्वेश्चन कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए 1101 इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी 2 की पावर है, 2 की पावर 0 और फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से हम लिखेंगे, और उसके बाद में 2 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 1 2 के इक्वल, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 ये 8 के इक्वल होता है। अब देखिए 2 × 3 = 6 नहीं, 2 × 2 = 2, कई दोस्तों को शायद नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ, इसका मतलब ये है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 का। अब इसके अंदर हमने क्या किया था दोस्तों, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, 0 को 2 से करेंगे 0 आ गया, 1 को 4 से करेंगे 4 आ गया, 1 को 8 से करेंगे 8 आ गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है, स्टेप 3 के अंदर इसको पूरे को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 13 हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आसान था दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और बहुत से दोस्तों को ये आता भी है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों, अगर हमें यही क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया जाए, अब देखिए अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने ये दे दिया कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर इन्होंने क्या दिया है, 1101, ये तो सेम टू सेम वही रखा है पहले वाला, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया, 0.101 इन्होंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 0.101 लग गया, अब हमारे लिए ये थोड़ी ट्रबल वाली बात होगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना, समस्या हो गई थोड़ी, लेकिन दोस्तों जब तक हम आपको समस्या नहीं होने देंगे और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब देखिए इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। इंटीजर तो दोस्तों ये होता है हमारा ये, ठीक है, और जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है ये पॉइंट से इस साइड वाला होता है, राइट साइड वाला हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, और इंटीजर होता है इस साइड वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए
इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, आसानी से समझाऊंगा आपको, आप वीडियो रोक लेना चाहे दोबारा प्ले कर लेना, कैसे भी देख लेना, लेकिन आप समझ लेना इसको। इन इंटीजर पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर द वेट फॉलो द पैटर्न एज 0 की पावर 2, 0 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इंटीजर जो पार्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं दोस्तों, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे चलेंगे। और इसकी जो पावर है दोस्तों 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती जाएगी। ये देखिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे और पावर क्या है, प्लस में इसकी बढ़ती जाएगी, राइट टू लेफ्ट इसकी पावर दोस्तों बढ़ती जाएगी। और यही चीज़ हमने ऊपर की है, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर राइट टू लेफ्ट गई और यहाँ पे पावर इसकी बढ़ती गई। ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटीजर जो पार्ट है इसकी बात हम बात कर रहे हैं, इस साइड वाले की, राइट टू लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं। और ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया ही है। अब बात आती है दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट की, बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर हम जो पावर है वो माइनस में लेके चलेंगे दोस्तों, माइनस में। अब देखिए -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से इसमें माइनस करेंगे। और यहाँ इसमें क्या कैसे चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट कैसे चलेंगे इसके अंदर, ये देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट इसके अंदर चलेंगे। और इसकी जो पावर है 2 की पावर वो नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे हमारी होती जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान में आ गई, दो चीज़ें समझ ली आपने। अब हम इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जब हम प्लस में पावर कर रहे थे, 2 की पावर 1, इसकी 2 की पावर 2 कर रहे थे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। जब हम पॉजिटिव पावर करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन नेगेटिव में करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखिए पॉजिटिव में जब हम करते हैं 2 की पावर 1 दोस्तों 2 होता है, 2 की पावर 2 ये 4 होता है, ये हमें पता है, 2 की पावर 3 ये 8 होता है, 2 की पावर 4, 8 × 16 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है। लेकिन बात अब ये आती है दोस्तों, जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 2 की पावर 0 ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, ये ठीक है। अब बात करते हैं 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1/2 और 2 की पावर 1 ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे या फिर ऐसे ही रखेंगे, 2 की पावर 1 2 इक्वल 2 होता है दोस्तों, और ये हो गया हमारा 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं 2 की पावर -2 की बात करते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, 1/2 ऐसे होगा। अब देखिए 1 का 1 रह गया और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और इसे कैसे कैसे लिखेंगे, 0.25 ऐसे लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं दोस्तों 2 की पावर -3 की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर 1/2 और ये किसके इक्वल टू हो गया, 1/8 हो गया, और 1/8 इक्वल टू 0.125 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जब हम माइनस में पावर करते हैं तो किस तरह से हमारी पावर कन्वर्ट होती है, और प्लस में तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, दोगुना करते रहो और आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस जब आता है तो 1/2 में हम करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए नाउ कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101.101 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अब देखिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारे दो पार्ट है दोस्तों, ठीक है, दो पार्ट की हमने बात की थी, एक तो इंटीजर पार्ट है ये रहा, और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सोल्व करेंगे और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करेंगे, और फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सोल्व करते हैं, इंटीजर पार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, राइट टू लेफ्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, और ये देखिए 1101 इसको अभी हम सॉल्व करके आए हैं, ऊपर करके आए हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करके आए हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, आपने पहले भी किया होगा। ये इंटीजर पार्ट दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया था और ये बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। मेन बात आती है दोस्तों दूसरे पार्ट की आती है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये 1101 इसका आंसर आएगा, 13 आएगा, ये हम यहीं तक करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो दूसरा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0.101, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए ये तीनों हम डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे, 101 यहाँ पे लिख लिया, इनकी पावर हम लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, 2 की पावर -1 से शुरू हो रही है, -1, -2, -3, क्योंकि 2 की पावर 0 तो दोस्तों हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, हम इंटीजर जो पार्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं 2 की पावर 0, और 0 के बाद में फिर हमें -1, -2, -3, इस तरह से हम चलेंगे। अब देखिए 2 की पावर -1 ये हम करके आए हैं ऊपर, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर -1 का मतलब है 0.50। अब 2 की पावर -2 किसके इक्वल टू होता है, 0.25 के इक्वल टू होता है। फिर 2 की पावर -3 किसके बराबर है, 0.125 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 0.50, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, 0.50, 0, 0.125 आएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे दोस्तों, इन दोनों तीनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 0.625 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया दोस्तों, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमारे पास ये आया है, इसका हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। अब देखिए अब फाइनल हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर, अब ये देखिए फाइनल आंसर हमारा ये होगा, इसके अंदर इंटीजर जो पार्ट था इसको, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 13 निकाला था, ठीक है, और जो हमारा ये था फ्रैक्शनल पार्ट, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 0.265 हमने निकाला था। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, आ जाएगा 13.625 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारा इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है, इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है माइनस और प्लस का है, और जब हम माइनस में पावर करते जाएंगे दोस्तों तो ये 1/2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से होता जाएगा। और जब हम 1/2 में करेंगे तो इनकी डिजिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी, 0.50, 0.25 ये आ जाए, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, उसमें ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दे रहे हैं, वीडियोज़ दे रहे हैं और 2012 से लेकर 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको
मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC NET ICT में नंबर सिस्टम कन्वर्जन से रिलेटेड हमने अभी तक 5 वीडियो बनाई हैं और उसमें हमने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें बताई हैं। और उसमें एक चीज़ और रहती है दोस्तों, आपने सिंपल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया, ये बहुत चीज़ें आपको पता चल गई है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर दिया हो, नेगेटिव डिजिट दी हो, तो उसको हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 20 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन पेपर आया था और इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -23। ठीक है, ये देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है -23 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस में तो हमें करना आता है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि माइनस में इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हो सकता है इसमें से आगे क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको नेट और GRF क्लियर करना है तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम नेगेटिव डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे ऐड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोज़ दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फ़ीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कई चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी इसके अंदर, थोड़ी सी उल्टी चीज़ें होंगी जो हम आज तक करते आए हैं, थोड़ा सा उससे उल्टा होगा, वो कैसे होगा क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, दो क्वेश्चन, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव डेसिमल नंबर -18 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, इसको किस तरह से हम -18 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, 4 स्टेप में आपको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, सबसे पहले हम इसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे। देखिए जो 18 है, 18 की सिंपल वैल्यू निकालते हम, ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने सीखा था दोस्तों सिंपल वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में 18, यहाँ पे कैरी कितना रह गया हमारे पास, 0 रह गया, फिर 2 चौके 8, कैरी कितना रह गया 1, फिर 2 दूनी 4, कैरी रह गया हमारे पास 0, फिर 2 एक कम 2, ठीक है, कैरी रह गया हमारे पास यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 रह गया, ये 1 पे गया है, 2 एक कम 2। अब देखिए ये जो 1 है, 1 आगे नहीं जा रहा, अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक इसको लिखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले आप जो 5 वीडियो बना रखी है कन्वर्जन से रिलेटेड, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएंगी, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए नंबर 1 स्टेप में हमने 18 की सिंपल वैल्यू निकाल ली, 18 जो डेसिमल नंबर है इसको सिंपल कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर,
और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 10010। यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक हम लिखते हैं 10010, ये आ गया। अब स्टेप टू, स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें जो सिंपल वैल्यू मिली है उसमें टोटल 8 डिजिट पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे, ठीक है। 8 डिजिट पूरी करेंगे हम। अब देखिए 8 डिजिट का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने कितने डिजिट है, ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है और टोटल कितनी करनी है हमें, टोटल 8 डिजिट पूरी करनी है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे। तो स्टेप टू में देखिए दोस्तों, स्टेप टू में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जीरो, 3 ये 0 हमने लगा दी, ठीक है। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है, देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे। यहाँ तक दो स्टेप आपको समझ में आए, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गए। चलिए स्टेप नंबर 3 करते हैं अब हम। इसके अंदर क्या है दोस्तों, अब जो वैल्यू हमें मिली है स्टेप टू में, जो वैल्यू मिली है टोटल 8 डिजिट पूरी करने पे, अब हमें क्या करना है, हम इसको उल्टा कर देंगे, जितनी भी टोटल डिजिट आई है हमारे पास 8 को उल्टा कर देंगे। और उल्टा करने का मतलब क्या है, यानी 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे इनका। ये देखिए स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 2 में 10010 था, इसमें एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, 000010, ये हमने 8 डिजिट पूरी कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब 8 डिजिट में ये जितने भी डिजिट हैं इनको हम उल्टा करेंगे। ये देखिए 0 का हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 1 का हमने 0 लिख दिया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ये देखिए ये हमने उल्टा लिख दिया इनको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 भी आपको आ गया समझ में, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप आसानी से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आराम से देखिए इसको। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, इस ये जो वैल्यू आई है ना अपने पास रेड में, जो वैल्यू है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कि यहाँ पे जो ऐड करने का तरीका है ना, जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा, वो तरीका इसमें नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐड करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम सिंपल 1 में 1 जोड़ते हैं, नॉर्मली 1 में 1 जोड़ते तो कितना आता है दोस्तों, हमारे पास 2 आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 में 1 जोड़ने पे 0 आएगा, ठीक है। बाइनरी और डेसिमल नंबर में माइनस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जब 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, लेकिन कंप्यूटर में जब ऐड करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा 0 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो सिंपल, ये जो हम सिंपल करते हैं 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। चलिए ये समझ में आ गई आपको ऐड करने का तरीका। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो वैल्यू थी 1110001, इसमें 1 जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें 1 जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, अरे 2 नहीं पगले, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, कैरी यहाँ पे 1 आ गया, हासिल 1 आ गई हमारे पास, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना ही कैरी आया हमारे पास, तो 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1110001, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -18 का, 1110001 और 0, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और शायद आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है ना, कोई नहीं, आप दोबारा वीडियो देखना। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल करेंगे, उससे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए अब हमारे पास है नेगेटिव डेसिमल नंबर -15 है, इसको हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे, स्टेप एक क्या था दोस्तों हमारा, स्टेप एक था सिंपल वैल्यू निकालना, ठीक है। तो सिंपल वैल्यू निकालेंगे,
तो इसको वही करेंगे, 15 को दो से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14, कैरी एक रह गया, 2 × 3 = 6, कैरी एक रह गया, 2 × 1 = 2, कैरी एक रह गया। अब देखिए एक ज़्यादा किसी पे नहीं जा रहा और नहीं डिवाइड हो रहा, तो हमारा सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 की, 15 की सिंपल वैल्यू आ जाएगी 1111, हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए स्टेप टू के अंदर हम क्या करते हैं कि उसकी टोटल 8 डिजिट को पूरा करते हैं, ठीक है, 8 डिजिट पूरा करते ना। तो स्टेप एक में हमने सिंपल वैल्यू निकाले, स्टेप टू में इसकी टोटल 8 डिजिट पूरा करेंगे। तो ये हो गया 1111, और 8 डिजिट के लिए 4 एक्स्ट्रा 0 और लगा देंगे, 0001111, ये हमारे पास स्टेप टू आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री के अंदर क्या था हमारे पास, अब जो वैल्यू हमें मिली है टोटल 8 करने पे उसे हम उल्टा कर देंगे, यानी 1 को 0 और 0 को 1 कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास स्टेप टू के अंदर आ गया था, स्टेप थ्री के अंदर ये जो वैल्यू आई है, ये डिजिट आई है, इनको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 1 को 0 कर दिया, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, ये हमारी रेड वैल्यू आ गई दोस्तों उल्टा करने पे, ठीक है। अब स्टेप फोर में देखिए, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर पता चल गया आपको, उसमें हम प्लस 1 करेंगे, 1 उसके अंदर ऐड करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करने पे क्या आता है, अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। देखिए 1 जोड़ने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ना कि 2, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1111, और 0000 में 1 जोड़ते हैं, इसमें 1 जोड़ते तो 1 × 0 1 आ गया, और अभी यहाँ पे कैरी वगैरह कुछ बचा ही नहीं, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया है। और ये रहा हमारा आंसर, -15 का आंसर है 1111001, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए असाइनमेंट है, ये समझ लीजिए -23, ये है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर वैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 01001, इसका आंसर दिया हुआ है। आप सभी दोस्त ये क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए वहाँ पे हमें बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमिजीनेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कम्प्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है, तो आप हमारी ऐप निमिजीनेट ये येलो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100+ लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमिजीनेट सर्च करना दोनों ऐप आ जाएगी, और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं।